मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान करता है। अक्सर ये बात कहकर बाबा अपने ही वास्तविक स्वरूप को छिपा जाते। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी से जितना प्रेम करते हैं, शायद उससे ज़्यादा हनुमान जी स्वयं महाराज जी से प्रेम करते हैं। एक दूसरे का ही अद्वैत भक्ति स्वरूप होने के कारण उन दोनों में प्रेम का जो प्रवाह है वह अनंत है। हनुमान जी का जो अस्तित्व वाला स्वरूप है वह महाराज जी के द्वारा किसी भी इच्छा को पूरा करने में हर पल तत्पर रहता है। वहीं पर महाराज जी हनुमान जी के लिए हर क्षण उन्हीं का राजपाठ उन्हीं को सौंपने के लिए यहाँ भौतिक जगत में भी तत्पर रहते हैं। बाबा तो एक बात को सदा ही यहाँ पर सत्यापित करते आए हैं कि जो कछु होए यहाँ ई नहीं हमारो, अर्थात जो कुछ भी यहाँ पर है वो हमारा है ही नहीं, वो सब कुछ हमारे बाद हमारे ही स्वरूप हनुमान का है। हमारे से पहले भी वही हनुमान का रहा है और सदैव हनुमान का ही रहेगा। दोस्तों, नीम करौली बाबा जी साथ में ये भी जानते थे कि ये उनकी मानवीय लीला है और इस लीला को कहाँ शुरू करके कहाँ खत्म करना है, इस सारा का सारा नीति के अधीन उनका स्वयं का ही निर्माण किया हुआ है। इसी कारण से महाराज जी ने समय रहते हमारी धरती पर, हमारे ही समाज में, हमारे ही देश में हनुमान जी के न जाने कितने मंदिर बनाए। महाराज जी ने ये सारे मंदिर अपनी किसी खास इच्छा तृष्णा को पूरा करने के लिए नहीं बनाए और ना ही अपना कोई वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाए। महाराज जी के द्वारा बनाए गए सारे हनुमान मंदिर और बाबा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई सारी हनुमान मूर्तियाँ इस बात का गवाह हैं कि महाराज जी ने वो सब कुछ जगत कल्याण के लिए किया था, धर्म के प्रचार के लिए किया था और आने वाले समय में सारे भक्तों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्हीं हनुमान जी को यहाँ का सूत्रधार बनाया था। और इसके साथ ही हनुमान जी के प्रति महाराज जी ने जो भक्तों में श्रद्धा जगाई है उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि महाराज जी ने इस बात को सदैव सत्यापित किया कि कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है, किस भक्त का ऐसा कौन सा संकट है जो तुम नहीं हर सकते हनुमान। तुम्हारे रहते यहाँ पर ना तो किसी का काम अटकेगा, ना ही किसी पर कोई संकट के बादल मंडराएंगे। इसी भाव को साथ लेते हुए बाबा नीम करौली महाराज जी ने अपने सानिध्य के सारे भक्तों को हमेशा हनुमान की ओर मोड़ा, क्योंकि महाराज जी ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में धर्म धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने वाला है और उसी धर्म की पताका को लहराते रहने की मुख्य जिम्मेदारी हनुमान के सिवा कोई और उठा ही नहीं सकता। बाबा नीम करौली महाराज जी हनुमान जी का नाम लेकर बड़े बड़े कार्य चुटकी बजाते ही कर देते थे। यह उनका स्वयं के प्रति ही अद्वैत प्रेम था। अपने ही स्वरूप से प्रेम करके, अपने ही स्वरूप के प्रेम के लिए, अपने ही स्वरूप के साथ में प्रेम में आकर वो सब कुछ संभव कर देना जो असंभव के दायरे में से होकर गुजरता है। इसी तात्पर्य को सत्यार्थ करने के लिए महाराज जी की एक ऐसी लीला आपको सुनाएंगे जहाँ पर कार्य बहुत ही बड़ा है परंतु महाराज ने किस तरह से सिर्फ हनुमान जी के नाम पर चुटकी बजाते ही उसका समाधान दे दिया और आज तक दोस्तों उसका सबूत अपना स्वयं का गवाह बनकर वहीं पर खड़ा है। आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की वो बहुत ही अलौकिक घटना। दोस्तों, ये समय था सन 1971 का और सन 1971 में ही एक पुल का निर्माण हुआ था जिस पुल का शिलान्यास उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पुल का निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन उसका पहला खंभा जैसे जैसे बनता जाता तुरंत ही ज़मीन में धंसता जाता। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, बम्बई से, दिल्ली से, न जाने कहाँ कहाँ के इंजीनियर अपना सारा हुनर और अपनी सारी चतुराई को बरतते रहे लेकिन उसका कोई उपचार नहीं खोज पाए। अंत में हारकर उन्होंने बनारस के ही प्रख्यात बिजलिया बाबा से संपर्क किया। बिजलिया बाबा उस समय बनारस में अलौकिक सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर कोई दैविक ऊर्जा का आशीर्वाद दिला सकते हैं तो वह हैं बिजलिया बाबा। अतः उन्हीं के पास जा पहुँचे उस पुल का निर्माण की परेशानी को लेकर। बिजलिया बाबा ने पूरी स्थिति जानी और कहा कि देखो, इतना बड़ा पुल बना रहे हो, उसका इतना बड़ा खंभा तुम्हारे बनाते ही धंस जाता है, यानी कि धरा ये भू धरा माता धरती उसे निगल जाती है। इसका सीधा सा स्पष्ट सा मतलब है कि ये प्रकृति आपकी बात को सहन नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर इस प्रकृति के जो कोई लाडले हैं, जो प्रकृति की बात को मनवा सकते हैं, यह कार्य सिर्फ नीम करौली बाबा ही कर सकते हैं। अतएव अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो आपका कार्य हो सकता है, अन्यथा इस धरती पर कोई भी आपके कार्य को संपादित नहीं करा सकता। तब
पंडित कमलापति त्रिपाठी जी स्वयं नीम करोली बाबा के पास कैंची धाम आए। आकर उन्होंने महाराज जी को उस समस्या से अवगत कराया और हाथ जोड़कर बाबा से इसके निदान की प्रार्थना करी। महाराज जी ने कहा कि हमें जाकर देखना होगा। बाबा को लेकर त्रिपाठी जी अपनी गाड़ी में वापस बनारस पहुँचे और महाराज जी के साथ में ही घटनास्थल पर आए। बाबा ने आकर वहाँ की जगह को देखा और देखते ही तुरंत कहा कि पंडित, एक छोटा सा हनुमान जी का यहाँ मंदिर बना दे, सब काम हो जाएगा। अब दोस्तों, जहाँ पर इतना बड़ा पुल का निर्माण चल रहा हो, वहाँ पर एक छोटे से हनुमान मंदिर को बनाने में भला किसको आपत्ति होती। अतः आनंद फानंद में कमलापति त्रिपाठी जी ने तुरंत ही वहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उस हनुमान जी के मंदिर में एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना भी करी, जो कि महाराज जी के ही कर कमलों के द्वारा स्वयं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ जो हनुमान मंदिर है, उसमें जो हनुमान जी विराजे हैं, वो महाराज जी ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें स्थान दिया था। जब बाबा ने वह मंदिर का निर्माण करवाया, इसके तुरंत बाद से ही उस पुल का निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा हो गया। वह हनुमान मंदिर आज भी पुल के समीप स्थित है और महाराज जी के प्रताप की गवाही दे रहा है। इस तरह देखा आपने कि जहाँ पर सारे मनुष्य हार जाते हैं, जहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी विज्ञान हार जाता है और जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत भी रास्ता नहीं निकाल पाते, मार्गदर्शन नहीं कर पाते, वहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज जी तो चुटकी बजाते ही वो कार्य को पूर्ण कर देते हैं। और इसीलिए किसी भक्त को बाबा के प्रति इस प्रकार का कभी संदेह नहीं लाना चाहिए कि मेरा ये कार्य महाराज जी नहीं कर पा रहे हैं, या मेरा ये कार्य बाबा नहीं कर सकते, या मेरा कार्य महाराज जी तो नहीं करते। महाराज जी आपका जो कार्य है, आपके जो जीवन परेशानी है, उसका निवारण तो आपके विचार करते ही कर देते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप कुछ प्रयत्नों में इतना ढीले हो जाते हैं कि उठकर वहाँ तक चलकर भी नहीं जाना चाहते, जहाँ पर आपके लिए महाराज जी ने आपके ही अनुकूल परिणाम को रखा है। जो भी भक्त बाबा नीम करौली महाराज जी के शरणागत हो जाता है, प्रभु के श्री चरणों में आ जाता है, दोस्तों उसके जीवन में कोई कार्य अटके ये तो ये प्रकृति ही स्वीकार नहीं करती। फिर मनुष्य को भला कैसे संदेह कर लेना चाहिए। अगर आपने महाराज जी से किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना करी है, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से कोई विनती करी है, तो दोस्तों उसके बाद आपको आँख बंद करके उस कार्य के लिए जितने भी भौतिक कर्म होते हैं, जितने भी जिम्मेदारियाँ होती है, सारे के सारे एक लय में कर डालने चाहिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे 12 दिन तक मेरे काम को पूर्ण करने के अंदर लगेंगे, तो 12 दिन के कर्म लगातार 12 दिन तक कर दीजिए। भूल जाइए कि परिणाम आपके अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अगर आपने प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी को, अपने कार्य को, अपने कर्म को और अपनी प्रार्थना को, तो दोस्तों 12 दिन पूरे होते ही आपका कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वही प्रार्थना महाराज जी और वही प्रार्थना हनुमान जी एक स्वरूप में, अपने एक दूसरे के अद्वैत प्रेम स्वरूप में एकाकार होकर सुनते हैं। और आज की घटना से तो आपने ये भी देखा कि इतना बड़ा पुल का निर्माण कार्य जो बिल्कुल असंभव हो गया था, महाराज जी ने छोटे हनुमान जी को वहाँ बिठा कर तुरंत कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब भी आपने महाराज जी के सामने अपनी कठिनाई, अपनी प्रार्थना रखी हो, उसी समय महाराज जी उसका समाधान शत प्रतिशत कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके मन में कभी बाबा के प्रति संदेह नहीं रहेगा और आपकी सारी प्रार्थनाएँ महाराज जी बहुत जल्द ही आपके ही अनुकूल रूपांतरित करेंगे। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।